वही क्षेत्र हल्द्वानी में गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बेहद संवेदनशील तराई पूर्वी वन प्रभाग में वन विभाग ने फायर सीजन शुरू होते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत ही DFO हिमांशु बागरी ने बताया कि फायर सीजन अलर्ट के चलते कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है और अभी तक तराई पूर्वी वन प्रभाग के बॉर्डर के से सटे जंगल में आग की घटना सामने आई है, जिसमें आग बुझा ली गई है। जंगलों को आग से बचाने के लिए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और वहीं लगातार वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, अभी जो अलर्ट्स जारी हुए हैं IMD द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है, जिसके दृष्टिगत हमारा इस ये सीज़न फायर के दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। तो उसके क्रम में अभी हमने कुछ वॉचर रखे हुए थे, बट 1 अप्रैल से वॉचरों की संख्या हमारे प्रत्येक क्रू स्टेशन में बढ़ाए जा रहे हैं और इससे पूर्व हमारे जो भी कंट्रोल बर्निंग होती है, फायर लाइन कटान, ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। तो और अब इनको हमारे स्टाफ से रेगुलर ड्रिल कराई जा रही है, जिससे कि यदि कोई आग लगती है तो समय पर नियंत्रण किया जा सके और वो भव्य रूप ना ले। जी, विगत अभी 2 दिन पूर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई पूर्वी वन प्रभाग के बॉर्डर एरिया में एक आग लगी थी, तो उसमें दोनों ही जगह की टीमों ने उसको काबू पा लिया था और अभी वो आग नियंत्रण में है।